किमत आदि बाबी न्यायालयाच्या अखत्यारीच्या बाहेर आहे आणि या स्पष्ट आहे की विमान खरेदीच्या प्रोसेसमध्ये कुठली अनियमितता गैरप्रकार दिसून आला नाही आणि दर ठरवतानाही कशा प्रकारचं त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाला संशय नाही तो प्रोसेसमधला विषय त्यांनी ग्राह्य धरलेला आहे। मी आणि आमचं सरकार या निर्णयाचं स्वागत करत आहोत आणि अशा निर्णयामुळं ऊटसूट आरोप लावणारी मंडळी बिना आधारानं विरोधी पक्षाची भूमिका विरोध करण्याकरता असते, परंतु पक्षाचा सरकारचा विरोध करताना या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारपेक्षा जास्त रक्षा मंत्र्याला अडचण जाण्याचा प्रयत्न केलेला सुरक्षा व्यवस्थेत आणि जगाच्या पाठीवर भारताची बदनामी करण्याकरता या विरोधी पक्षाची भूमिका आहे। निकालामध्ये कराराबद्दल सुप्रीम कोर्टाला कसलाही संशय वाटत नाही। विशेष म्हणजे गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट हा करार आहे, इथं कोणी इंडस्ट्री नाही आहे, कोणी उद्योगपती नाही आहे, फ्रान्स सरकार भारत सरकार। पण ही काही काही प्रकरणामध्ये गोपनीयता असते, ती गोपनीयता कायम आहे आणि ती सुप्रीम कोर्टामध्ये बंद लिफाफ्यात पाठवण्यात आलेली होती। ऑफसेट भागीदारीबद्दल मी पुन्हा म्हणेन की यामध्ये सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नाही, सर सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा आपल्या निकालात म्हटलेलं आहे। विशेष म्हणजे देशाच्या सुरक्षेकरता संरक्षण मंत्रालयामध्ये अशा लढाई होण्याची गरज आहे, ही गरज असतानाही खरेदी करण्याचा विलंब केल्याचा आरोप मी लावतो। सरकार आमचं सरकार लावे की UPA गव्हर्नमेंटनी 2006 त्याची प्रोसेस 7 प्रोसेस करताना का खरेदी केले नाही हा प्रश्न आहे आणि खरेदी न करता खरेदी करणाऱ्या सरकारवर आरोप लावणं हा एक प्रकारे देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमधला हा एक हस्तक्षेप वाटतो। आम्हाला देशाची गरज आहे, सुप्रीम कोर्टाने पण हे मान्य म्हटलं आहे की शेजारी राष्ट्र ज्या पद्धतीनं आपले सैन्यबळ सैनिक ताकद वाढवण्याकरता नवीन नवीन आधुनिक यंत्रसामग्री उपकरणं विमानं खरेदी करताना जमा करताना भारत देशाने पण ही तयारी करायला पाहिजे होती, असा संकेत त्यामध्ये आहे निकालामध्ये। आणि आपल्या देशाच्या सुरक्षेला वायरल ठेवून UPA सरकारने 2007 ही प्रक्रिया चालवली असताना 14 त्यांनी खरेदी केली नाही हा एक देशाच्या सुरक्षेशी धोका आहे। आता आमचं सरकार यावर गंभीर आहे, ते सरकार गंभीर नव्हतं। आम्ही या तुम्हाला सांगू शकतो की सर्वात चांगलं महामार्ग सरकार आम्ही कोळसा घोटाळा काढलो, सरकार CAG घोटाळा काढला, कॉमनवेल्थ घोटाळे काढले, आम्ही लोकसभेत चर्चा केली, दूध का दूध पाणी का पाणी लोकसभा कशा करताय चर्चे करता असते, हंगामा कार्यकर्ता नसे लोकसभा। तुम्ही माझा एक स्पष्ट सांगतो तुम्हाला, ग्रामपंचायतच्या सभागृहात चर्चा होते, नगरपालिकेत चर्चा होते, विधानसभेत चर्चा होते, लोकसभेत होत नाही का? व्हायला पाहिजे की नाही? आम्ही म्हटलेलं आहे की चर्चेला आम्ही समजत आहोत, या आज आज लोकसभेच्या पटलावर जी माहिती ठेवली जाते ती खरी असते। कांग्रेस पार्टी देश को गुमराह कर रही है, एक विरोधी पार्टी के रूप में उन्होंने सही तरीके से पेश आना चाहिए था और ऐसे आरोप लगाने से सुप्रीम कोर्ट की भी बदनामी होती है। मैं यहाँ स्पष्ट करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी आरोप का मुझे जवाब देने की आप जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली इंडिया सरकार, इन्होंने राफेल सौदे में कोई हेराफेरी अनियमितता भ्रष्टाचार नहीं किया है और कोई भागीदार के लिए मदद करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं रखा है।
देश की जरूरत समझते हुए इस सरकार ने साहसिक निर्णय लिया, राफेल का सौदा किया जो देश की जरूरत थी, पड़ोसी राष्ट्रों की हरकतें देखकर। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया, लिखा है, पता है। तो यहाँ किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता का मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जवाब दिया है। और हम तरीके से काम कर रहे हैं, देश की रक्षा करने के लिए इसकी ज़रूरत थी, इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। और सरकार स्पष्ट रूप से चुनाव जब जीती थी तो कांग्रेस पार्टी के हर मंत्रालय में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम जीते थे। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि खाऊंगा नहीं, खाने दूंगा नहीं, उसी तौर पर सरकार काम कर रही है। ये कांग्रेस के नेता ऐसे चिल्लाते रहेंगे, सरकार देश की रक्षा करने के लिए और भी सौदे करेगी, करते रहेगी, देश की रक्षा प्रथमता रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दोबारा केंद्र सरकार अपील करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट से। ये फैसले ऐसा है कि जो मंडल लिफाफे में हमारे सरकार की तरफ से दिया गया था, उसमें कुछ सरकार सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अपील कर उसको सुधार करने की अपील की है, स्वयं होके की है, किसी को पहले से नहीं की है। और वो हम हिम्मत से जाते हैं, इसमें सुधार करने के बाद भी हम पर आरोप नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने गलत काम किया ही नहीं है। हम केस कर रहे हैं विरोधी पार्टी के इस आरोपों को जवाब देने के लिए, हम सामने जा रहे हैं, जवाब देंगे। जनता मानती है कि प्रधानमंत्री की सरकार में भ्रष्टाचार होगा नहीं, हुआ नहीं। कांग्रेस मान रही है जेपीसी के माध्यम से चर्चा होनी चाहिए। हम लोकसभा में चर्चा करने के लिए चुन के जाते हैं, हमने स्पष्ट कह दिया है, हम पार्लियामेंट में इस विषय पर चर्चा करने तैयार हैं। जब चाहे तब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, विपक्षी के और भी कोई नेता, राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, सरकार ने स्पष्ट किया हम लोकसभा में चर्चा के लिए तैयार। तो ये भी आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों का जवाब दे दिया है, हम उसमें अनियमितता करने के लिए चुन के नहीं गए हैं। हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, और उन्होंने खाली गिलास लिया होगा, हमने भरा गिलास लिया है। क्या क्या सबकी मांग हो रही, राहुल गांधी माफ़ी मांगना चाहिए, तो आपकी क्या मांग है? तो हमारे नेताओं ने मांग की है, हमारे गृहमंत्री जी ने लोकसभा में मांग की है कि कांग्रेस सरकार ने गलती की है, देश को बदनाम किया है, सरकार को बदनाम करते करते दुनिया में देश को बदनाम किया है, अपराध किया है, माफ़ी मांगनी चाहिए, अपना गुनाह कबूल करना चाहिए, और इसमें बड़ापन है, उनकी संस्कृति है। और दुर्भाग्य से मैं कहना चाहता हूँ कि देश की राजनीति में एक नया कल्चर पैदा हो रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ऐसे झूठे आरोप लगाकर, ये तुरंत समाप्त होना चाहिए, ये देश का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।